देखिए आसिफ अली स्टार्टिंग से ही बड़ा एक बहुत ग्रेट प्लेयर है, ठीक है ना, हर प्लेयर के ऊपर एक बैड पैच आता है, ठीक है, एज अ क्रिकेटर वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो हम लोग एज अ पाकिस्तानी हम लोग ये नहीं देखते कि उस बैड पैच के पीछे रीजंस क्या हैं, हम लोग फ़ौरन क्रिटिसाइज करने के हम लोग माहिर हैं, कौम हमारी कि फ़ौरन करती है जब कुछ किसको भी करना हो। तो आसिफ अली जब अपनी बेटी की सेहत के बहुत सारा परेशान था ना, तो वो अब उसने कल अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया कि वो प्लेयर है और वो प्लेयर रहेगा और प्लेयर आगे भी वाक्सिन को सर्व करेगा इंशाल्लाह। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अल्फा मलिक और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल मैच था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में और आसिफ अली ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी। 3 इकट्ठे मैच हम जीत चुके, एक में बाबर आजम रिजवान और शहीन अफरीदी ने अपनी कारकर्दगी दिखाई, एक में हारिस रऊफ ने और अब आसिफ अली ने। मतलब हमारे प्लेयर्स के बाद प्लेयर्स निकल रहे हैं, हर मैच में नए 2-3 प्लेयर्स आते हैं जो पूरे मैच को बदल के रख देते हैं। ऐसा अनबिलीवेबल गेम कभी भी नहीं खेला गया, मतलब कभी भी हम 3 मैच इकट्ठे नहीं जीत पाए। और ऐसे जिस तरह से ये मैच चल रहे हैं, जिस तरह कारकर्दगी चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम वर्ल्ड कप भी जीत के आएंगे इंशाल्लाह। तो आइए जानते हैं अवाम से कि वो पाकिस्तान की इस कारकर्दगी से कितनी खुश है कि अफगानिस्तान को भी हमने हरा दिया, जो मतलब बहुत टफ मुकाबला था लेकिन हमने अफगानिस्तान को हरा दिया। वो उनके जज्बात देखते हैं कि वो कितना खुश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनुल आबिदीन। यहाँ पे कोच है जी, एज अ हेड कोच। अच्छा मुझे ये बताएंगे कल जो आपने मैच देखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, बहुत अच्छी कारकर्दगी थी मोहम्मद आसिफ की, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मतलब ये इतने ग्रज के बाद, इतनी बैड सिचुएशन के बाद, आपको पता है कि आसिफ अली निकाले गए थे जिस टाइम पे आसिफ अली की बेटी को कैंसर था, उनकी डेथ हो गई, वो उनको निकाल दिया गया, उसके बाद जब दोबारा उनकी एंट्री हुई उन्होंने चौके छक्के मार के मैच अपनी तरफ पूरा कर लिया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आसिफ अली स्टार्टिंग से ही बड़ा एक बहुत ग्रेट प्लेयर है, ठीक है ना, हर प्लेयर के ऊपर एक बैड पैच आता है, ठीक है, एज अ क्रिकेटर वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो हम लोग एज अ पाकिस्तानी हम लोग ये नहीं देखते कि उस बैड पैच के पीछे रीजंस क्या हैं, हम लोग फ़ौरन क्रिटिसाइज करने के हम लोग माहिर हैं, कौम हमारी कि फ़ौरन करती है जब कुछ किसको भी करना हो। तो आसिफ अली जब अपनी बेटी की सेहत के बहुत सारा परेशान था ना, तो वो अब उसने कल अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया कि वो प्लेयर है और वो प्लेयर रहेगा और प्लेयर आगे भी वैक्सीन को सर्व करेगा इंशाल्लाह। जी पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे तो दोनों टीमें हमारी अपनी हैं, जबकि जैसे कि सब शैकीन को पता है, लेकिन देखने का मज़ा आया न्यूजीलैंड इंडिया के मुकाबले में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो टक्कर थी, जो मुकाबला था, वो वाकई मतलब मज़े का हुआ। बिल्कुल, ये कंपटीशन इसमें बहुत जोश व खरोश भी देखा है और मैच विन आसिफ भाई का ये जो परफॉर्म है ये भी एक नाम है। कल का बहुत अच्छा मैच हुआ था और अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा कम्पीट किया है, एक दफ़ा तो दिल जो है वो मुँह में आ गया था, लेकिन आसिफ अली ने बचा लिया है और कल बहुत अच्छा मैच हुआ है, क्रिकेट के लिए अच्छा लगा। आसिफ की कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसी कारकर्दगी थी, क्या मतलब इतने टाइम के बाद वापस आने के बाद उन्होंने जिस तरह से कारकर्दगी अपनी दिखाई उसके बारे में बताएं? जी बहुत अच्छा उन्होंने खेला है, पहले इनको इतने प्रेशर में उनको बहुत ट्रोल किया लोगों ने सोशल मीडिया पर, लेकिन उन्होंने फिर भी अच्छा खेला है। उनके पहले भी कंसिस्टेंट चांस मिला था लेकिन उनको अनलकी प्लेयर से उनसे अच्छा परफॉर्म नहीं था वो, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मौके को कैश किया और बहुत अच्छा खेला उन्होंने, मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं पिछले 2 मैच में। जी बिल्कुल, मैच बड़ा टफ हुआ है, अफगानिस्तान की टीम भी बड़ी तगड़ी है, उनके पास जो स्पिनर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके स्पिनर मोस्टली ज़्यादातर वो राशिद खान और मुजीब रहमान, मुजीब ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की जिससे पाकिस्तान की बैटिंग को काफ़ी मतलब मसला हुआ, तो लेकिन बाबर आसिफ अली ने एंड पे आके 4 छक्कों की मदद से पाकिस्तान को जितवा दिया। मैं तो दोनों का सपोर्ट कर रहा था, दोनों अपनी टीम में, और दूसरी बात बिल्कुल कंफर्म था कि पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि पाकिस्तान यूँ की आदत है बीच में मैच फंसाना, तो सीधी बात वो करते नहीं, तो ये उनकी आदत है। आसिफ अली इसीलिए जाना जाता है, वो तो वैसे उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा था तो उसने परफॉर्म किया। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की कारकर्दगी थी उस टीम की मोहम्मद आसिफ की, उसमें आपको सबसे ज़्यादा यानी कि जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया, एकदम से मतलब बैक के बाद वापस आना और मैच हारे हुए मैच को जीतना, ये कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ये सारी कॉन्फिडेंस की गेम है, जैसे कि उसने बताया कि उसने शुएब मलिक से बात की कि आखिरी ओवर बाउंड्री छोटी है तो हम 25 भी कर लेंगे, तो ये उसके कॉन्फिडेंस पे था सारा गेम। तो उसने सबसे पहले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, देखो हमारी जो पाकिस्तान टीम है फतह इसलिए मिल रही है कि हर मैच से पहले हमारी पाकिस्तान टीम नमाज़ पढ़ती है, उसकी वजह से हमें ये फतह मिलती है, नमाज की वजह से देखो अल्लाह पाक राज़ी होता है हम पे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम
आगे भी ऐसे ही खेलती रहेगी। बस देखो कॉन्फिडेंस बहुत आया हुआ है, कंपटीशन बना हुआ है हमारी टीम के। बाबर आजम बड़े अच्छे कप्तान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कप्तानी अच्छी कर रहे हैं। न्यू थे पहले, उनको पता नहीं था कप्तानी का, तो अब उसको आस्ता आस्ता समझ लग रही है। जैसे सरफराज को कप्तानी की चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप भी जीत के आएगी और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह तरक्की करेगी। खुद की अफगानिस्तान के जो स्पिनर था बहुत अच्छे हैं, राशिद खान और मुजीब की गोलें भी बहुत अच्छी रही है, लेकिन उसके आउट होने के बावजूद, जल्दी आउट होने के बावजूद आसिफ अली ने 4 छक्के मार के मारे।